पीजीआई इंडिकेटर्स को भरने के लिए। इससे पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले उसे देखिएगा क्योंकि वहाँ पर स्कूल प्रोफाइल और फैसिलिटी को आपको एडिट करना है, जो भी इंफॉर्मेशन रह गई है उसको सही करना है। उसके बाद में इस पार्ट टू को आप देखिएगा जहाँ पर आपको टीचर और स्टूडेंट से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन भरनी है वो आपको मिलेगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यूडेक्स प्लस में यहाँ से जो हम देखने वाले हैं वो टीचर मॉड्यूल को भरेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर हम यूडेक्स प्लस में नीचे जाएंगे और नीचे जैसे ही जाएंगे तो जो हमें लॉगिन करना है वो कहाँ से करना है उसको सबसे पहले देखना होगा। तो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपको ये शो हो रहा है टीचर मॉड्यूल, इसको क्लिक करेंगे। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर फिर से डिटेल की एंट्री करेंगे जिसमें यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा टेक्स्ट डालेंगे और लॉगिन करेंगे। तो यहाँ से हम नीचे आएंगे और नीचे जो पॉइंट दिया गया है क्लिक हियर टू ओपन टीचर DCF फिल डेटा, तो इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ टीचर डिटेल पर आ जाएंगे। यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज यानी कि भाषा किस भाषा में आप इसे देखना चाहते हैं उसे आप चेंज कर सकते हैं। जैसे हिंदी यहाँ दिया है, यहाँ से आप इसे इंग्लिश क्लिक करके तो इंग्लिश में पूरा बना सकते हैं या फिर हिंदी में ही रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से हम इसे हिंदी में कर लेते हैं, हिंदी में कर लिया। अब थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको ओवरऑल स्टेटस जो है कंप्लीट यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि ओवरऑल स्टेटस मार्क्ड कंप्लीटेड। तो हमारा डिटेल यहाँ पर कंप्लीट डेटा एंट्री पूरी कर दी गई है टीचर्स की। अब यहाँ पर डिटेल जो है हमारा टोटल 4 टीचर्स का है यहाँ पर। अब अगर 4 टीचर्स में क्या क्या भरा है हमने उसको डिटेल चेक करना है तो यहाँ 4 जो 4 दिख रहा है इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो चारों टीचर्स का डिटेल यहाँ पर हो निकल के आ जाएगा। यदि आपको यहाँ पर कोई नया शिक्षक जोड़ना है तो यहाँ से आपको जोड़ सकते हैं और यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं एक्सेल की फाइल के रूप में। और यदि ये सब नहीं करना है तो किसी एक टीचर को चलो हम एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्या क्या डिटेल उसका भरा जाना है। तो सबसे पहले बुनियादी जो विवरण है यानी कि बेसिक प्रोफाइल है, नाम होगा, कोड होगा जो मानव संपदा कोड है, लिंक जन्मतिथि, सेवा में कार्य ग्रहण करने की तिथि यानी कि जब से सेवा में है, उसके बाद वर्तमान स्कूल में कब से हैं वो मोबाइल नंबर। इसके बाद योग्यता की बात करें तो शैक्षिक योग्यता पोस्ट ग्रेजुएट जैसे इनका है, व्यवसायिक योग्यता कौन सी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन बेसिक टीचर ट्रेनिंग ऑफ ड्यूरेशन नॉट लेस देन 2 ईयर्स। इसके बाद में प्रकृति रेगुलर है और इसके बाद में हेड टीचर हैं, ये प्राइमरी स्कूल है, आल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और ये पॉइंट्स हैं। इसके बाद में इनका आधार नंबर भी यहाँ पर इंटर है। उसके बाद वेरीफिकेशन भी अंडर प्रोसेस है, वेरीफिकेशन आधार भी यहाँ पर क्लिक किया जा सकता है। और इसके बाद में यदि यहाँ पर कोई भी एडिटिंग का काम करना है तो यहाँ से आप क्लिक करके इसे एडिट करते हैं कर सकते हैं, जैसे कि सामान्य प्रोफाइल को यानी कि नाम वगैरह चेक करना, जन्मतिथि उसे यहाँ से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद में यदि नियुक्ति तिथि और शिक्षण को करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, प्रशिक्षण एवं अन्य कोई चीज़ अपडेट करनी है तो यहाँ से आप उसे कर सकते हैं। तो यहाँ से इस प्रकार से इसे अपडेट भी किया जा सकता है। तो टीचर डिटेल भी इसी प्रकार से भरा जाना है और इन्हें अपडेट भी किया जाना था। मान के चलिए यहाँ से हमें इस टीचर का डिटेल एडिट करना है तो एडिट करने के लिए ऊपर प्रोफाइल जो हमने आपको दिखाया ये ग्रीन कलर से सामान्य प्रोफाइल लिखा है, इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे और नीचे देखेंगे तो एक एक पॉइंट को आप देखते जाइएगा और इसे आप यहाँ पर एडिट करते जाइएगा। तो यहाँ पर उच्चतम शैक्षिक योग्यता कितनी है, व्यापार डिग्री कितनी है और इसके बाद उच्चतम व्यवसायिक योग्यता कितनी है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, शिक्षक का आधार नंबर क्या है और इसके बाद में विषय कौन कौन से पढ़ाते हैं, विज्ञान विषय के अध्ययन का स्तर क्या है, अंग्रेजी का स्तर क्या है, यहाँ पर टोटल आपको डिटेल मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप अपडेट कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो इसे हम अपडेट करके नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका नियुक्ति का नियुक्ति और शिक्षक। दूसरे पॉइंट पर जब क्लिक करेंगे तो नियुक्ति की प्रकृति कैसी है, जैसे कि रेगुलर है, अध्यापक का प्रकार कैसा है, सहायक है या हेड है या शिक्षा मित्र हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, क्या है। सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की जो तिथि है वो चेंज नहीं होगी, लेकिन वर्तमान स्कूल में जो पदस्थापना है वो चेंज की जा सकती है। उसके बाद में स्तर पर नियुक्ति का जो वैकल्पिक है इसको भी आप PRT टीचर या हेडमास्टर किस पर नियुक्ति की गई है उसको यहाँ से भर सकते हैं। या प्राइमरी किन कक्षाओं को पढ़ाते हैं, प्राइमरी है जिस कंपोजिट है तो सब में यदि क्लासेस लगते हैं तो 1 से 8 तक का दिखा सकते हैं वहाँ पर। और विषय के संबंध में नियुक्ति आल विषय के लिए यहाँ पर नियुक्ति की गई है। उसके बाद में मुख्य विषय क्या पढ़ाते हैं, ऑल सब्जेक्ट रहेगा और मुख्य विषय 2 पढ़ाते हैं, क्या हिंदी है, क्या शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर है, नो, तो यहाँ पर हमारे यहाँ प्रतिनियुक्ति पर ये शिक्षक नहीं है। तो फिर इसको आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं और उसके बाद में नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे आसानी से आप पूरा डिटेल फिल कर सकते हैं। चलो इसी वीडियो में हम स्टूडेंट डिटेल का भी देख लेते हैं कैसे उसको भरना है, उस पर चलते हैं। यहाँ पर जो नीचे आएंगे यूडेस पर क्लिक करने के बाद में
अपने ब्राउज़र में। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट मॉड्यूल लिखा हुआ है यहाँ से भरेंगे। ये सभी जानकारी आप मोबाइल से अपडेट करिएगा, मैं मोबाइल से ही कर रहा हूँ। तो यहाँ सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट अपना स्टेट सेलेक्ट करते हैं उत्तर प्रदेश, उसके बाद में गो कर देंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर कहीं भी इस लाइन पर, इस बॉर्डर पर जो आपका दिया गया है, इस पर कहीं भी एक बार आप क्लिक करिएगा तो लॉगिन पेज पर पहुंच जाएंगे। जैसे ही पहुंचेंगे तो यहां से आप सबसे पहले यूज़र आईडी पासवर्ड वगैरह को एंटर करिएगा, उसके बाद में कैप्चा टेक्स्ट डालिएगा और लॉगिन करिएगा। तो यहां पर हम मेन पेज पर आ गए हैं। यहां पर टोटल जो इन्फॉर्मेशन हमारी स्टूडेंट्स की दी गई है वो इस प्रकार से है। टोटल स्टूडेंट जो 22-23 के सेशन में हमारे स्कूल में हैं वो 66 हैं, 32 बॉयज़ हैं और 34 गर्ल्स हैं। इसके बाद टोटल ट्रांसजेंडर की बात करें तो 0 हैं। और ये लास्ट अपडेट 28/8/2023 11 PM तक का है। तो यहाँ से आप और यहाँ से हर क्लास के बच्चे को देख सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एडिटिंग जो करनी है वो बच्चे का पूरा डिटेल आपको भरना होगा। तो यहाँ पर व्यू और मैसेज, इसको क्लिक करके चेक करते हैं कहाँ पर क्या है। तो इसे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इस प्रकार से निकल के आ जाएगा। और यहाँ पर बाकायदा बच्चों के नाम दिए गए, कंप्लीटेड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर GP LP SF, हालांकि ये काम हम पहले कर चुके हैं तो इसमें हमें कुछ भी करना बाकी नहीं है। यदि फिर भी आप करना चाहते हैं तो इसे आप एडिट कर सकते हैं। जैसे कोई एक को हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, सबसे पहले ऊपर देखिएगा क्या क्या पॉइंट्स आपको यहाँ पर डिटेल में देना है। सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो कोई एक स्टूडेंट मैंने उठा लिया, जिस आधार पर आपको अपडेट करना होगा यहाँ पर पूरा डिटेल। स्टूडेंट्स का नेम, जैसे यहाँ पर गोल्डी है, जेंडर इसका फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ इसका 3/10/2015 है। स्टूडेंट की आईडी जो है ये ऑटोमेटिक आईडी ले लेता है ये प्रेरणा पोर्टल से, तो ये यहाँ पर दी गई है। इसके बाद मदर्स नेम रीता देवी, फादर्स नेम अवधेश। इसके बाद गार्जियंस नेम, तो गार्जियंस के नाम उस स्थिति में डालिएगा जब माता पिता उसकी देख रेख में नहीं, वो किसी और की देख रेख में, माता पिता के ना होने की स्थिति में। चलो उसके बाद में आधार नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, नेम ऑफ स्टूडेंट, एच पर आधार, तो आधार के हिसाब से यहाँ पर नाम लिखा है। इसके बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल, जैसे किस गांव के रहने वाली लड़की है ये, तो पूरा डिटेल होना चाहिए, पिन कोड होना चाहिए, उसका घर का मोबाइल नंबर होना चाहिए। और इसके बाद में मदर लैंग्वेज उसकी क्या है उसको भरना है। और उसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पर सोशल कैटेगरी क्या है, SC BC या जनरल जो भी है उसको डालना है। उसके बाद माइनॉरिटी ग्रुप अगर है, या BPL बेनिफिशियरी यस नो जो भी है, वेदर अंत्योदय योजना का लाभ ले रही कि नहीं, नहीं CWSN में आती है नहीं आती है, वेदर बिलोंग्स टू EWS नो। तो इसके बाद में वेदर द स्टूडेंट इज नेशनल, इंडियन नेशनल, यस इंडियन है। इसके बाद स्कूल चाइल्ड इन करेंट और प्रीवियस ईयर्स नो, कोई स्कूल नहीं था क्योंकि इसका एडमिशन क्लास 1 में ही सीधे हुआ है। और ये डिटेल डालने के बाद में यहाँ से आप अपडेट करिएगा। बिल्कुल इसी तरीके से, सेम तरीके से अन्य बच्चों का भी डिटेल आपको अपडेट करना है। तो मुझे लगता है कि ये जो दो पार्ट में हमने पूरा DCF UDAS Plus का कंप्लीट कर दिया है। पहला वाला वीडियो यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो टीचर डिटेल, स्कूल प्रोफाइल, फैसिलिटी से संबंधित पूरा वीडियो है, उसमें कैसे आपको क्या भरना है। फिर भी यदि कोई कन्फ्यूजन उसमें होता है तो आप हमें कमेंट करिएगा, या फिर हमारे ग्रुप्स से आप ज्वाइन करिएगा, वहाँ से आप पर्सनल मैसेज में डाल सकते हैं, तो वहाँ से भी हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो ग्रुप का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।